मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन रविवार को था। अपने जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया और भोपाल के जंबूरी मैदान पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कविता नाम की एक महिला को योजना का फॉर्म भरवाया और फिर उसके बाद सीएम ने योजना के बारे में वहां मौजूद महिलाओं को काफी बारीकियों से समझाई। आपका नाम? कविता मस्तेरिया। कविता मस्तेरिया। मस्तेरिया, ये कविता मस्तेरिया हो गया। बहन, आपके पति का नाम? श्री राहुल मस्तेरिया। श्री राहुल मस्तेरिया। हाँ। श्री राहुल मस्तेरिया। लाडली बहना योजना में पात्र महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने 18,000 करोड़ की व्यवस्था की है। सरकार की उम्मीद है कि इस योजना के सहारे सरकार की सत्ता में वापसी होगी। उधर कांग्रेस ने लोगों से वादा किया है कि अगर वो इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने तय किया है कि जितनी भी गरीब और निम्न मध्यवर्गीय बहनें हैं जिनके परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपए हर साल से कम है या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है तो और कोई शर्त नहीं है, ऐसे सभी बहनों को हर महीने 1000 रुपए दूंगा। सीएम आगे कहते हैं साल में 12,000 रुपए मिलेंगे। 2 बहुएं हुई तो घर में 24,000 रुपए, घर में एक सास हुई तो उनकी पेंशन को 1,000 रुपए कर दूंगा और अगर पति किसान है तो उनको किसान सम्मान निधि के हिसाब से 1,000 रुपए मिलेंगे। इससे साल में एक परिवार को 56,000 रुपए की मदद मिल जाएगी। 2.5 लाख रुपया से कम है परिवार की आमदनी, 2.5 लाख रुपया साल मतलब 20,000 रुपया महीना। तुम में से 20,000 रुपया महीना तो नहीं है कोई की आमदनी? इधर वाली बताओ। तो जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है या जिनके पास जमीन है खेती की परिवार के पास गांव में तो 5 एकड़ से कम जमीन है तो और कोई शर्त नहीं है। पूरे प्रदेश में मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, और कोई शर्त नहीं है। 1-2.5 लाख से कम आमदनी और दूसरी 5 एकड़ से कम जमीन और जीप कार नहीं होना चाहिए पास में। कोई के पास कार तो नहीं है? इधर वाली बहनों के पास भी नहीं है। और घर से कोई इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए? इनकम टैक्स तो नहीं देते कोई? इधर वाले भी बताओ। तो जो इनकम टैक्स नहीं देते उन सब बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना डाला जाएगा। 1,000 रुपया महीना। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दोगे? अगर साल में अगर हर महीना 1,000 रुपया मिला तो एक साल में कितना मिलेगा? 12,000। और परिवार का मतलब मैंने बताया, पति पत्नी और बच्चे। अगर घर में एक दूसरी दिरानी हुई तो उसको कितना मिलेगा? और उसको भी कितना मिलेगा? तो 12 दुनी कितने हो गए। और घर में अगर बूढ़ी सासू मां रही और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही तो भाभी बढ़ा के हम कर दें 1,000 रुपया, तो सासू माँ को कितना मिलेगा? अरे जोर से बताओ कितना मिलेगा? 12,000। तो कितने हो जाएंगे? 36,000। और गांव में अगर किसान हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी वो देते हैं 6,000 और मामा 4,000, तो कुल कितने हो गए? तो कुल कितने हो गए? 44,000। अब बताना मेरी बहनों, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, बताओ अपनी जिंदगी सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बताओ सुधर जाएगी कि नहीं? अब ठाट से बहू घर पे रहेगी तो सास भी सोचेगी बहू के हर महीना 1,000 रुपया तो आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ दो रे, बहू को भी घी लगी रोटी के। बोलो होगा कि नहीं? और सास को भी पेंशन मिली तो बहू भी सोचेगी
सोने के पहले जरा माँ के पांव तो दबा दूं। तो बोलो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? देखो घर की हालत बदल जाएगी। और अभी तो मांगती थी, अरे मायके जा रही हूं 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे। अब जब वो परेशानी में कभी होंगे और पैसे का इंतजाम नहीं होगा तो मुझे पता है बहनें बचा के भी रखेंगी, और जब पतिदेव को जरूरत पड़ेगी तो कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जेल जाओ पैसा। बताओ होगा कि नहीं होगा? देखो ये योजना चमत्कार है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सारी शराब दुकानों के अहाते बंद करने का निर्णय लिया, अगर कोई मासूम बेटी के साथ दुराचार करेगा तो उसे फांसी पर भी लटका दूंगा। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी बहनें अगर मुझसे सहमत है तो संकल्प ले कि अपने भैया का साथ देंगी और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार के साथ आगे चलेंगी। Thank you.